लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एसीपी श्वेता श्रीवास्तव के 10 साल के बेटे नैमिष की जिस दर्दनाक तरीके से मौत हुई उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। नैमिष एसीपी श्वेता श्रीवास्तव का इकलौता बेटा था। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये घटना तब घटी थी जब नैमिष मंगलवार सुबह स्केटिंग सीख रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस ने नैमिष के स्केटिंग कोच दिव्यांश अरोड़ा और गौरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि जनेश्वर मिश्र पार्क के स्थानीय दुकानदार की शिकायत के आधार पर गोमती नगर विस्तार थाने में अवध अकेडमी क्लब के कोच दिव्यांश अरोड़ा और गौरव पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 268, 336 और 283 के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि बिना अनुमति लिए जनेश्वर मिश्र पार्क के आसपास स्केटिंग की कोचिंग अकेडमी चलाई जा रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा नाम के लड़कों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में एक नई गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि पुलिस ने बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के नेता और मुख्य आरोपी सार्थक सिंह के पिता रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि साक्ष्य छिपाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में पुलिस ने रविंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोप यह है कि घटना के बाद रविंद्र सिंह ने टक्कर मारने वाली गाड़ी को धुलवाकर खून के धब्बे मिटवाए और डेंटिंग के लिए गाड़ी को छिपा दिया था। वही जब पुलिस ने रविंद्र सिंह से सार्थक के बारे में पूछताछ की तब भी उन्होंने सच नहीं कबूला था। फिलहाल अब नैमिष के कोच पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। देखना होगा कि अभी इस मामले में और क्या कुछ अपडेट सामने आता है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।